वैक्सीनेशन शुरू होने से लेकर अब तक कठिनाइयों के बाद भी भारत में तेजी से टीकाकरण हुआ है। अब हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बता रही है कि ये काम कितना मुश्किल था। ये रिपोर्ट देखिए तो कितनी मुश्किलों भरा ये पूरा काम था। एक बड़ी चुनौती थी भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए। इसके अलावा कई इलाके ऐसे थे, कई लोग ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट थी, वो वैक्सीन लगवाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों का जज्बा और उसी के चलते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। रिपोर्ट देखिए बता रही है रिपोर्ट कितनी मुश्किल आई। सुई से की मर रहा है इसीलिए नहीं लिया। गाँव में कोई लमसम 15 को लमसम लिया बस। थोड़ा हमको काम है, थोड़ा आ रहे हैं। ये तो कहता है बाकी यहाँ 10 दिन या 15 दिन पहले हल्ला हुआ का कि वही ज्यादा मर रहा है इसलिए यहाँ नहीं लिया। नहीं लेंगे तो बोल जोबरी काहे कर रहे हैं। कुछ हमको हो लेके हम सुई ले लें, काहे के लिए सुई ले लेंगे। ना सुई तो हम ना लिए, अब जिए लगे नहीं चाह रहे हैं, अब जल्दी मरे लगे चाह रहे हैं। सही है तो क्या लगवाएं? हाँ तो हमको नहीं लगवाना है, हम ना लगवाएंगे इंजेक्शन, नहीं लगवाएंगे, नहीं मर्जी है। नहीं भैया हम ना लगवा, हमें कोई तो बात ही दिक्कत आ जाए टीका लगवाने से। नीचे 18 साल की रीना पेड़ पर चढ़ गई। नीचे स्वास्थ्य कर्मियों की टीम समझाने में लगी है, लेकिन वैक्सीन का डर ऐसा कि रीना पेड़ से उतरने को तैयार नहीं। आखिरकार समझा बुझा कर रीना को पेड़ से उतार कर कोरोना का टीका लगाया गया। एमपी के छतरपुर जिले के मनगारी गांव की ये तस्वीरें स्वास्थ्य कर्मियों की मुश्किलें दिखा रही हैं। पूरे साल में ऐसी दर्जनों तस्वीरें सामने आई जहां बच्चे ही नहीं बुजुर्ग तक टीकाकरण से भागते नजर आए। कोरोना का टीका अवश्य लगवाइए। टीका लगाए क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे टीका? हमारी मर्जी, हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। नहीं लेना हमको, नहीं लेना हमको, डर लगता है दीदी हमको, पर जाते ना तुम सुइयां नहीं लेते। क्या हम ना लगवाए? क्या हम ना लगवाए? हम मर जाब मरने पर हमको दे दो। हम लोग का कोरोना नहीं होगा, जो एसी में रह रहा है उन लोगों को कोरोना होगा। इनको टीका दीजिए इनको। टीका क्यों लगाएंगे? हमारे पीछे काला पड़ेगा, मामू है, मामू के पीछे पड़ेगा। आप आपने लिया सुई? इधर देखिए दादा। अरे अरे नहीं, रुकने लेना आता। अरे बात हम कर रहे हैं ना कि नहीं लिया तो बात खत्म। हमको डर लगता है, आदमी बहुत मरा है इसलिए हमको डर लगता है। इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों के आगे किसी ने हाथ पैर जोड़े तो कोई भागता नजर आया। एबीपी न्यूज के कैमरे में भी कैद हुआ कि कैसे लोग टीका एक्सप्रेस गाड़ी के आते ही भागते नजर आए। तो कुछ लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला कर दिया। स्वास्थ्य कर्मियों को अफवाहों के वायरस से भी लड़ना पड़ा, जिसके चलते पीएम मोदी को देश को अफवाहों से सावधान करना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का यह दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है, और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, पूर्ण हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। ऐसे कितने ही दिन आए जब पूरी वैक्सीनेशन टीम गांव में बैठी रह गई और गिने चुने लोग ही टीका लगवाने पहुंचे। मुश्किल उठाकर भी स्वास्थ्यकर्मी असंभव से दिखने वाले मिशन में लगे रहे। बहते दरिया को पार कर, ऊंचे पथरीले पहाड़ को लांघकर, अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाने निकले ये देश के स्वास्थ्य विभाग के सिपाही हैं।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने नदियों के उफान के बीच डगमगाते लकड़ी के पुल पर जान खतरे में डालकर मकसद को पूरा किया। इसी तरह मुश्किल को लांघते हुए पहाड़ी इलाके में बसे झिरपानी गांव में लोगों को वैक्सीन लगाने स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।